मसीह की जय। हालेलुया। हम वचन में जाने से पहले क्यों ना आप बंद करें, छोटी सी प्रार्थना को करें। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद देते हैं सर के पिता, में एक बार भी तेरे पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु क्राइस्ट के नाम से अपने आप को नर अवदीन बनाते हुए धन्यवाद के भेंट को लेकर तेरे सम्मुख आना प्रभु। सारी प्रार्थना भी दुआ करता कि जैसे आपने हमें चुना यीशु इस वचन को बांटने के लिए अपने लोगों के बीच में, प्रभु मैं ही दुआ करती हूँ मैं ना दिखाई दूँ प्रभु, बल्कि तू दिखाई दे प्रभु। आज मेरी जुबान से वचन ना निकले बल्कि प्रभु तेरी पवित्र आत्मा के जरिए हर एक शब्द निकले प्रभु, ताकि वचन जैसे बात की जाए प्रभु लोगों के दिल की गहराई तक जाए, इस वचन पर गौर करे प्रभु, अपने जीवन को काटे छाटे और स्वतंत्र बनाए, ताकि वे तेरे राज के भिखारी बन सके प्रभु। आज हर एक कान हर एक हृदय को तू खोलना प्रभु जी, हर एक लोगों के जीवन को हमारे इस वचन को यीशु मसीह हमारे जीवन को अपने लोगों के नीचे तू ढाप लेना प्रभु, सिर्फ और सिर्फ तू ही दिखाई देना प्रभु। धन्यवाद देता यीशु के नाम से, आमेन। प्रभु आज प्रभु का जो वचन आज मैंने चुना हालेलुया, उसका शीर्षक है All things work together for good, हालेलुया, सभी बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है ना। ये वचन हमारे बाइबल में अगर हम देखें तो रोमन्स 8:28 में हमें वचन ही मिलता है, और ये सबसे मुख्य या फिर अधिक याद करने वाली वचन या पद है, हालेलुया, रोमन्स 8:28 ना। अगर हम इंग्लिश धर्मशास्त्र में देखें तो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखा, And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. और हिंदी धर्मशास्त्र में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हो। हालेलुया। कब हमारे जीवन में सब कुछ भलाई में बदलता है हालेलुया, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते और हमें ये बात मालूम है हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करना उसके राह पर चलना और परमेश्वर से प्रेम करना उसके राह से अलग चलना दो प्रकार की बातें हालेलुया। ना ये वचन हम मसीह लोगों को रोजाना आश्वासन दिलाता है, हमें आशा दिलाता है और हमें मार्ग भी दिखलाता है अगर हम इसे अध्ययन करें तो। अफसोस बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन को गलत रूप से समझते हालेलुया, गलत रूप से इसे अपने जीवन में कार्य देते और फिर समय आने पर वो प्रभु को ही दोष देते कि प्रभु तुम्हारा वचन ऐसा कहता है पर ऐसा हमारे जीवन में हुआ ही नहीं ना। इसी कारण से कलेशा मैं आप लोगों को तीन मुख्य बातें बताना चाहती हूँ जिससे कि आप इस बेस को रोमन्स 8:28 को अच्छी तरह से समझ सके ना। पहला हम देखते हैं रोमन्स 8:28 कहता है परमेश्वर से प्रेम करना और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो। हालेलुया, परमेश्वर से प्रेम करना और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो। याद रहे कलेशा, हम बाइबल बेसिस को बंटवारा नहीं कर सकते। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि वचन के सिर्फ आधे भाग ही पढ़ते और अपने जीवन में से इस्तेमाल करना चाहते, बाकी के जो भाग है हम उसे तोड़ देते, हम उसे अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। ना नमूना के तौर पे मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे अगर यही बेस को हम ले रहे और केवल यहीं तक पढ़े और हम सब जानते हैं कि परमेश्वर के लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, हम सब जानते हैं हालेलुया, हमारे जीवन में सिर्फ अच्छा होगा, हमारे जीवन में सिर्फ प्रभु का भलाई होगा और बाकी के जो बेस है हम उसे छोड़ देते हैं हालेलुया। ना ये कब लागू होता है कलेशा, हमें पूरे बेस को पढ़ना हालेलुया, आगे बेस अगर हम छोड़ दें जहां पर लिखा है वो जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हो हालेलुया, जब हम प्रभु के वचन पर चलते हालेलुया उसका इच्छा तब हमारे जीवन में पूरा होता है हालेलुया। हम केवल आधे भाग पढ़कर अपने जीवन में से कार्य देना चाहते तो कोई फायदा नहीं कलेशा, पूरे वचन को पढ़ना है, हमें इसका बंटवारा नहीं करना है। सच्चे मसीह लोगों के लिए ये वचन है हालेलुया, वो मसीह लोग जैसा जीवन जीते हालेलुया, यानी कि वो प्रभु के वचन पढ़ते हैं, उसकी महिमा करते, उसके गीतों को गुनगुनाते हैं, उससे प्रार्थना करते, उसके लिए समय निकालता, ये है सच्चा मसीह जिसके लिए रोमन्स 8:28 कार्य करता है। ना उन लोगों के लिए नहीं जो केवल प्रभु पर विश्वास करते हैं, कहते कि प्रभु हम सचमुच में तुमसे प्रेम करता, पर शैतान जैसा जीवन जीते। ना इसका क्या मतलब है कलेशा, वो जो शैतान का जीवन जीते हैं ये है कि वो दुनियादारी की चीजों में खोया है, संडे चर्च आता है, अपना सेल ग्रुप जाता है, मेंस की सभा में जाता है, वीमेंस की सभा में या यूथ में, संडे स्कूल सब कुछ अटेंड करता है, हर एक मिनिस्ट्री
और संडे के कलीसिया का वचन सुनता है, फिर सप्ताह भर देखो दुनिया की चीजों में डुबा रहता है, ना गंदगी बुराई में डुबा रहता है, अडल्ट्री में रहता है, हालेलुया, और वे लोग जो गॉसिप करते हैं, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है उसके विरुद्ध में होकर आप जो कुछ भी गलत करते हो कलीसिया, रोमन्स 8:28 तुम्हारे जीवन में कार्य ही नहीं करेगा, वो तब कार्य करेगा जब तुम उसके वचन के राह पर चलोगे। ना जो लोग अपना पूरी कोशिश करता है कि वे प्रभु की आज्ञा का पालन करे, उसके वचन के राहों पर चले, जान बूझ कर फिसले नहीं, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, चाहे कुछ भी बुरा हो जाए, चाहे तकलीफ आ जाए, कोई कष्ट आ जाए, तो मैं बतलाना चाहती हूँ कलीसिया, गॉड विल यूज यू इन माइटी एंड अल्टीमेट वे। हालेलुया, वही परमेश्वर तुम्हें अपने राज के कामों में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया, वो तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे नौकरी पर, तुम्हारे पढ़ाई लिखाई पर, तुम्हारी दुनिया के हर एक चीजों में अच्छा ही करेगा जब तुम उसके राह पर चलोगे। ना एक छोटी सी कहानी यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, एक स्त्री जिसकी नाम थी जोनी एरिक्सन। हालेलुया, ना जोनी जो थी वो एक लेखक यानी कि ओथा थी, और फिर वो भाषण भी देती थी अपने सभा में कलीसिया में। हालेलुया, और एक गायिका भी थी, परमेश्वर की गीतों को गाती थी। ना वो अपाहिज थी, हालेलुया, व्हीलचेयर में थी, हालेलुया, वो चल नहीं सकती थी, हालेलुया, क्योंकि उसे लकवा मार दिया था। और ये केवल एक दो साल से इसके साथ में ऐसा नहीं हुआ कलीसिया, 40 years यानी कि 40 साल से वो स्त्री जो थी जोनी वो व्हीलचेयर पे थी। हालेलुया, 40 years is too much। हालेलुया, आप जरा अरमान लगाए, ऐसा लगता उसका पूरा जीवन उसी व्हीलचेयर में। ना लोग जब कलीसिया आते तो उससे सवाल करते, बहुत से लोग उससे पूछते, Why God allows suffering in your life? हालेलुया, क्यों परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में इतना दुख दिया, क्यों वो तुम्हें इतना बीमारी दिया, और तुम परमेश्वर के लिए इतना काम करते हो, क्यों ऐसा है? ना जोनी एरिक्सन हमेशा मुस्कुरा कर बताती, परमेश्वर चाहता है कि हम उस दुख का अनुभव करें। कभी कभी दुख आता हमारे जीवन में, बीमारी आता, तकलीफ आता, ताकि हम एक्सपीरियंस करें कि दुख है क्या। हालेलुया, जब तक हम अपने जीवन में दुख महसूस नहीं करोगे कलीसिया, तब तक हम प्रभु को उस क्रूस का पीड़ा अपने जीवन में महसूस नहीं कर पाओगे। हालेलुया, क्योंकि यीशु ने भी दुख को उसी क्रूस पर सहा। हालेलुया, और वो बताती है कि प्रभु हमें एक नमूना बनाना चाहता है लोगों के बीच में, ताकि हम वैसा जीवन जिए जैसा वो चाहता है कि हम जिए। ना फिर वो बताती है, तो हम उसका आदर सम्मान जब नहीं करते, हालेलुया, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ एकदम परफेक्ट होता, कुछ भी हमें परमेश्वर के आगे जाके मांगे नहीं पड़े, हालेलुया, तो हम क्या करते, उस समय परमेश्वर का निरादर करते, हम उसके वचनों का उल्लंघन करते, हम गलत रास्तों पर चलते। हालेलुया, वो बताती है प्रभु खुश और आनंदित होता है जब उसके बच्चे उससे वाचा में जुड़ जाते, एक कवनेंट में जुड़ जाते हैं, हालेलुया, एक लहू के रिश्ता में जुड़ जाते, हालेलुया, तो परमेश्वर खुश होता है जब उसके बच्चे उसके वाचा में जुड़कर उसी के जैसा जीवन जीते, तब वो खुश होता। आज जब मैं अच्छा था, हालेलुया, जब मैं अच्छी तरह से चल फिरती थी, हालेलुया, सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा था, मैंने परमेश्वर या प्रभु की तरफ कभी भी नहीं देखा, और जब मैं आज इस गिरा हालत में, इस मिर्चिया में 40 years से मैंने परमेश्वर की सेवा किया, पर कुछ भी मेरे जीवन में अच्छा नहीं हुआ, क्यों कलीसिया? क्योंकि परमेश्वर ने आप उस बीमारी के हालत में भी उसे इस्तेमाल करा, ताकि वो उसका अनुभव कर सके, ताकि वो एक एग्जांपल बन सके सभी के जीवन में। हालेलुया, और फिर यहाँ पर बताती है, जोनी एरिक्सन ने अपने गवाह से कई लोगों के दिल जीत लिए, हालेलुया, और अपने जो प्रभु का वचन उसे बतलाकर प्रभु के राज्य में कई प्राणों को लेकर। ना जब वो चलती फिरती थी तो एक भी सौल से नहीं किया, पर जब वो व्हीलचेयर में था उन्होंने ढेर सारे लोगों को अपने भवन में पाया। हालेलुया, उन्होंने कई लोगों को वचन बताया। हालेलुया, तो आप देखिए जब तुम्हारे ऊपर दुख मुसीबत आता है कलीसिया, आप देखिए अपने जीवन को जांच के देखिए, कहां आप कमजोर है, कहां आप गलत है, वो दिन दे रही है, वो समय दे रही है जब तुम प्रभु से जाकर पश्चाताप करोगे, आंसू बहाओगे, घुटना में जाओगे। हमारा परमेश्वर दया का परमेश्वर है, वो तरस का परमेश्वर, जरूर वो तुम्हें उद्धार देगा, जरूर वो तुम्हें गुनाहों से मुक्ति देगा। हालेलुया, केवल तुम्हें जाकर उसे पुकारना, अपने पाप को लेकर आगे ना बढ़े। हालेलुया, ना कलीसिया, प्रभु को दुख होता है जब उसके बच्चे उसका निरादर करते हैं, उसके वचनों का उल्लंघन करते, बर्बादी के राह पर चलते हैं,
तो अच्छे बाप होने के नाते वो हमें अर्थ में चपकी देता है ताकि हम फिर से उस मार्ग में आ जाए और उसके साथ में वो वाचा में जुड़ जाए और प्रेम की जैसा जीवन जिए। ना जिस तरह से कलेशा अगर एक भेड़ा को देखते, भेड़ा जब अपने चरवा से अलग हो जाता है, वो कोई गलत रास्ते पर जाने लगता है तो भेड़ा जो चरवा है वो लाठी से अपने उस भेड़े को मारता है ताकि वो उसी सही राह पर आकर अपने शाला या अपने ठिकाना पर चले। इसी तरह से हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कलीसिया मैं बताना चाहती हूँ, यीशु ही हमारा चरवा है। हालेलुया। ही इज आवर शेपर्ड। हालेलुया। और हम सब उसके भेड़े हैं। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं, हम जब पाप करने लगते हैं, वो हमें चपकी देता है, हम फिर भी नहीं सुधरते, फिर वो हमें चपकी देता, हम फिर भी नहीं सुधरते, हम थेतर हो जाते कलीसिया। तब यीशु हमारे पर दुख मुसीबत भेजता, तब हम शिकायत करने लगते कि हाय प्रभु ऐसा क्यों तूने कर दिया, तुम्हारा वचन रोमन्स 8:28 तो ऐसा कहता है। तब समझने की कोशिश करे कलीसिया कि मैं क्या बताना चाहती हूँ आप लोगों से। आप हमेशा जब वचन पढ़े उसी वचन पर चलने की कोशिश करें। ना हम इस अंतिम दिनों में रहे हालेलुया, सभी ओर से हमें पाप नजर आएगा, पर तुम्हारा ध्यान कहाँ है? क्या तुम्हारा ध्यान उसी परमेश्वर, उस यहोवा क्रूस पर है हालेलुया, या फिर तुम दुनिया की चीजों में आज भी पाए जाते हो? ना कलीसिया, दूसरा हम देखेंगे रोमन्स 8:28 क्या कहता है। सब कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ भलाई में नहीं बदलेगा। हम कहते हैं वचन में तो लिखा है कि सब कुछ अच्छा होगा और सब कार्य जो है भलाई में ही बदलेगा, पर यहाँ पर बताता है मसीह जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ भलाई में नहीं बदलेगा। ना भले ही कुछ चीजें गुलाबी रंग के क्यों ना हो, पर बीमारी, पाप जो है, अंधकार जो है, मौत जो है, के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ पाप ही पाप बढ़ता जा रहा है। जब तक कि यीशु वापस ना आ जाए और शैतान को हमेशा के लिए जीत ना ले, तब तक कुछ भी अच्छा नहीं है इस दुनिया में। पाप एक ऐसा जहर है जो दुनिया भर में फैलता जा रहा है। हालेलुया। जैसे अगर आप एक पॉइजन को किसी को पिला दे, हालेलुया, उसके शरीर पर फैल जाएगा, व्यक्ति मर जाएगा। इसी तरह से पाप एक जहर की नाई है जो दुनिया भर में फैलता है और लोग उसमें आनंदित होते, उसमें मगन होते। हालेलुया। वो चीजों को नुकसान पहुंचाता है और यहाँ तक कि उसे नष्ट करके यहाँ तक कि उसे नरक लेकर जाता है। हालेलुया। तो याद रहे कलीसिया, रोमन्स 8:28 जो वचन है यहाँ पर ये कहता है, भले ही पाप कितना बड़ा क्यों ना हो, भले ही शैतान कितना बड़ा क्यों ना हो, भले ये अंधकार कितना बड़ा हो, भले ये मौत कितना बड़ा हो, पर इससे भी शक्तिशाली और बड़ा हमारा यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वो सबसे शक्तिशाली है, सबसे महान परमेश्वर है, वो उतना बड़ा परमेश्वर है। ना वो हमारी भलाई और अपनी महिमा के लिए कुछ भी छुड़ाने और लौटाने में सामर्थ या योग्य है। हो सकता है कलीसिया सभी चीजें अच्छी ना हो कलीसिया, लेकिन परमेश्वर सभी चीजों का इस्तेमाल अच्छे के लिए कर सकते हैं और जरूर करेंगे जब आप उसके वचन पर अध्ययन करोगे। ना एक और कहानी यहाँ पर मैं शेयर करूंगी। एक सुबह गांव के सभी आदमी, पुरुष लोग जो थे, वो चले गए नाव में मछली मारने के लिए। रात्रि होने के समय अचानक से मौसम खराब हो गया। हालेलुया। आंधी चलने लगी, ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी और गंभीर बारिश होने लगी। ना इसी कारण से जहाज जो था, जो नाव में ये पुरुष लोग गए थे, वो वापस अपने घर नहीं आ पाए क्योंकि उन्हें रास्ता या मंजिल मालूम नहीं था। वो खो गए इसी समुद्र में। घर पर सारे पत्नी लोग जो थे, बच्चे जो थे, माता लोग थे, सभी विलाप कर रहे, रो रहे हैं। हालेलुया। कि क्या होगा अब हमारे इस परिवार को। हालेलुया। और वो आंसू के साथ में यहोवा परमेश्वर को पुकारने लगे कि हे प्रभु हमारे पति को बचा ले, हे प्रभु हमारे पिता को बचा ले, हे प्रभु हमारे बेटे को बचा ले। अब सभी माँ जो लोग हैं, पत्नी बच्चे सभी गिड़गिड़ा रहे यीशु के आगे। हालेलुया। कि वो सही सलामत घर वापस आ जाए। इसी हालात में उस गांव में एक झोपड़ी आई के घर पर आग लग गई। हालेलुया। और ऐसा आग लगा कलीसिया कि कोई भी पुरुष वहां नहीं था बुझाने के लिए, और उस गांव में जो वो घर था वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया, कुछ भी वे नहीं बचा पाए। हालेलुया। जब सुबह हुई तो पत्नी जो थे, बच्चे तो जो थे, माँ लोग जो थे, दौड़कर समुद्र की ओर गए जहां पर वे नाव को देखे, और वो वही नाव था
जो वापस लौट कर आया और सभी लोग खुशियां से उछल पड़े जब उन्होंने अपने पति अपने बेटे को या फिर अपने बच्चे को देखे। हालेलुया। पर इनमें से एक परिवार था जो बहुत उदास था, जो आंसू बहा रहा था। और जब उसका पति उसके पास दौड़ कर आया तो स्त्री से पूछता, हे स्त्री क्या तू खुश नहीं है मैं वापस आया हूँ मौत के मुंह से निकल कर, तू क्यों इतनी उदास है? तो वो पत्नी ने सारी दृष्टांत बताई कि हमारे घर जलकर राख हो गया और हम कुछ भी बचा नहीं पा, अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ना पति ने आनंदित हुआ और यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दिया। तो पत्नी से पूछती है कि तू इतना खुश क्यों हो, क्योंकि हमारे पास कुछ है भी नहीं, लोग उदासी चाहते हैं चेहरे पर तुम इतना आनंदित हो। ते पति बताता है, जब हमारे घर पर आग लगा था और उस नाव पे थे तो वही हमें मंजिल दिखलाया। हालेलुया। आज इस ज्योति ने हमें राह दिखाया और हम सही सलामत यहाँ पर पहुंचे। आज अगर हमारे घर पर आग नहीं लगता तो हम अपना मार्ग खो देते, हम शायद डूब कर मर जाते सांदी में, पर परमेश्वर ने हमें बचाया। हालेलुया। नाउ कलेशा, जीसस इज द लाइट ऑफ दिस वर्ल्ड। हालेलुया। यीशु ही हमारा छुड़ाने वाला है और इस जगत की हमारे जीवन की ज्योति। हालेलुया। वही हमें राह दिखलाता है एक ज्योति की नाई। हालेलुया। तो उस ज्योति में होकर हमें चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसी की ज्योति में हमें मार्ग भी दिखलाता है। हालेलुया। तो उस ज्योति में होकर हमें हमेशा चलना है। हालेलुया। ना यीशु ने हम लोगों से वादा किया अपने वचन में, Matthew 28:20 में वो कहा है, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। हालेलुया। जगत के अंत तक। फिर वो कहता है Hebrews 13:5 में, मैं यहोवा परमेश्वर ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया। फिर वो कहता है Proverbs 18:24 में, जब तुम्हारे ऊपर दुख आएगा, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगा, तुम्हारे ऊपर तकलीफ आएगा, तो मैं एक दोस्त बनकर तुम्हारे साथ में रहूंगा और एक भाई से भी ज्यादा करीब रहूंगा। ना Psalms 23:4 में वो क्या कहता है कि चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में मैं होकर चलू, चाहे मैं मौत की वादियों में से भी होकर जाऊं, हालेलुया, तो भी मैं ना डरूंगी क्योंकि मैं यहोवा परमेश्वर तुम्हारे साथ में हूँ। हालेलुया। वो हमें छुड़ाएगा, वो हमें बचाएगा और हमें उद्धार देगा। कलीसिया, जब उन्होंने वादा किया कलीसिया तो जरूर उसे पूरा करेगा। हालेलुया। हमें इस वचन को हमेशा अपने जीवन में कार्य देना है। ना कभी कभी हम लोग ऐसे जीवन जीते हैं कलेशा, जहाँ पर हम सोचते एक मोड़ पे जब हम आ जाते तो हमें ऐसा लगता सब कुछ खलास हो गया। हालेलुया। हमें वो राह के पास कोई मंजिल नहीं दिखता, ऐसा लगता कि वहां पर एक बड़ा खाई है, गड्ढा है, हम जाए तो जाए कहाँ। ना कलेशा, मैं बताना चाहती हूँ, हमारा प्रभु जो है उसका जो दृष्टि है वो बहुत ही बड़ा, हर एक लोगों पर उसका दृष्टि होता है। ऐसा नहीं वो केवल मुझे देखता है आपको नहीं देखता, ऐसा नहीं, हर एक पक्षों का उसे परवाह है और उसका दृष्टि सभी के ऊपर रहता है। और वो बताता हमें, इट्स नॉट द एंड चर्च बट इट्स ओनली अ बैंड। हालेलुया। तो मैं अपने आगे मंजिल को बढ़ाना। हालेलुया। केवल एक मोड़ है यहाँ पर, कोई खाई कोई गड्ढा नहीं, और वो मंजिल को पार कराने वाला यहोवा परमेश्वर है। हालेलुया। कुछ भी समाप्त नहीं हुआ कलेशा, बल्कि हमें से ज्योति में होकर आगे बढ़ते रहना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना है बल्कि आगे को बढ़ते रहना है। और तीसरा जो आखिरी है, हालेलुया, Romans 8:28 बताता है जो उसका इम्पोर्टेंस, जो महत्व है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। ना प्रभु हम लोग के जीवन में सब कुछ का अनुमति देता है, पर इसमें से दो उद्देश्य या मकसद है, दो मेन पॉइंट्स। हालेलुया। क्यों? वो हमारे जीवन में सब कुछ को एक्सपीरियंस करने देता है। और वो है, पहला तो ये है हमारे साथ एक रिश्ते में लाने के लिए, या फिर दूसरा ये है हम उसके जैसा दिखे। हालेलुया। उसके जैसा सच्चा नमूना बने, यानी कि पहला हम एक रिश्ता एक कवनेंट के साथ में जुड़े, तभी वो हमें दुख देकर एक्सपीरियंस कराना चाहता है। और दूसरा है हम उसके जैसा जिए, सच्चा नमूना बनकर। ना प्रभु जो कुछ भी करता है वह हमेशा प्रेम में ही करता है। हालेलुया। और फिर यहाँ पर बताता है वो कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचता ना ही गलत करता, बल्कि हमेशा अपने बच्चों का भला करता है। कलीसिया, हम गलत करते हैं इसीलिए हमारे ऊपर दुख आता है, हमें चटकी दिया जाता है, पर प्रभु कभी गलत नहीं चाहता अपने बच्चों के लिए। ना एक छोटी सी गवाह यहाँ पर मैं बताऊंगी, एक बेटी जिसका नाम था बेली, हालेलुया, वो 35 ईयर्स ओल्ड का था और उसे ब्रेन ट्यूमर था। हालेलुया।
Now, जब बिली अपने युद्ध के दिनों में था तो वो क्या करता था, वो कॉलेज में बेसबॉल खेलता था, बहुत ही माहिर था। और फिर इसके बाद में उन्होंने अपने मन चाहा स्त्री के साथ में विवाह किया और कुछ साल बाद उसका दो बेटा हुआ, हालेलुया। और फिर जब बिली को ब्रेन ट्यूमर हुआ वो भी परमेश्वर की सेवा में लग गया। जब उसका जीवन अच्छा था तो वो अपने युद्ध जैसा जीवन बिताते थे, हालेलुया, पाप में दुनिया में हालेलुया खोया हुआ था। पर जब उसके ऊपर ये मुसीबत आया, ये बीमारी आया, तो उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। ना वो बतलाता है अपने गवाह में रोमन 8:18 ही वो वे से जो हमेशा उसे उत्साहित करता, हालेलुया, हमेशा उसे एनकरेज करता। तो उसने यह विश्वास कर लिया कि उसके इस बीमारी जो ब्रेन ट्यूमर है उसके लिए परमेश्वर के पास कोई ना कोई अच्छी सी योजना है, कोई अच्छा प्लान है, हालेलुया। और इससे उसका विश्वास और भरोसा जो है वो बढ़ता गया। उसके अटूट विश्वास और शांति इतनी गहरी थी कलेशा कि वो बताता है कि प्रभु जरूर कुछ अच्छा ही करेगा, उसे अपने राज में इस्तेमाल करेगा। ना एक दिन उसके पादरी ने उसे कॉल किया और कहा, बिली हमारे कलेशा में आज मेल फेलोशिप का सभा है, लेकिन पुरुषों का सभा है, और मैं चाहता हूँ कि तू आए और इस सभा में अपने गवाह को बताए। तो बिली जो था वो राजी हो गया जाने के लिए। और इसी दौरान उसने अपने भाई, छोटा भाई जय को कहा कि क्यों नहीं तू मेरे साथ कलेशा चल। ना उसका जो भाई था वो नास्तिक था, हालेलुया, यानी कि वो प्रभु पर कभी विश्वास नहीं किया, उसका भरोसा है ही नहीं, दुनिया की चीजों में वो खोया है, हालेलुया, कभी कलेशा जाता नहीं, कोई मिनिस्ट्री नहीं अटेंड करता, बिल्कुल अलग था, बिली से बिल्कुल अलग था। पर इस बार जब बिली ने उसे कहा कि तू मेरे साथ चल, उन्होंने मना नहीं किया, उसके साथ गया कलेशा और बैठकर बिली का गवाह सुना। बिली ने अपने गवाह को बताया लोगों के बीच में, हालेलुया। ना फिर जैसे सभा समाप्त हुआ तो पादरी ने गया और छापे कहा लोगों से, जो लोग आज प्रभु को ग्रहण करना चाहते, जो लोग आज प्रभु के साथ में रिश्ता जोड़ना चाहते, क्यों नहीं आप आगे चले आए ताकि मैं आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं। ना सब बैठे रहे, हालेलुया, कोई भी नहीं था। और पहला व्यक्ति जो उठा वो जेक था, इसका भाई, जो कभी परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। और जब वो आगे ओल्चा पे गया उन्होंने बताया कि मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरे भाई बिली का विश्वास सिर्फ उसका सहारा, हालेलुया, कुछ मिलकर नहीं होता था, हालेलुया, और वो सिर्फ उसे लेकर चलता है। क्यों परमेश्वर ने उसे बीमारी दिया, क्यों उसके जीवन में मुसीबत आया? पर जब मैंने देखा किसे 3 सर्जरी हुआ और वो सक्सेसफुल हुआ, जब उसे कीमोथेरेपी में लेकर गया वो सक्सेसफुल हुआ, जब रेडिएशन में लेकर गया तो सक्सेसफुल हुआ, और आज वो चंगा पर हमारे सामने, ये सक्सेसफुल तब हुआ जब यहोवा ने उसे चंगाई दिया, हालेलुया, उसे छुटकारा दिया, क्योंकि उसके अंदर में वो विश्वास था। आज मैंने उसके विश्वास को देखा कि कितना अटूट विश्वास उसके अंदर में, और उसने बताया कि आज ही मैं परमेश्वर को ग्रहण करना चाहती हूँ, आज मैं इस गवाह से उत्साहित होती हूँ, और मैं भी इस रोमन 8:18 को कॉल करती हूँ क्योंकि इसी वर्ष ने मुझे उत्साहित किया। और जो ऑब्जेक्ट था उसने अपना जीवन जो है परमेश्वर को दिया, हालेलुया, और फिर उसी दिन से परमेश्वर की सेवा किया। देखते ही देखते बिली को चंगाई मिल गया, हालेलुया, और दोनों भाई मिलकर यहोवा की सेवा में लग गए। ना जैसे वचन कहता है कलेशा, पहला 3 शब्द, एंड वी नो, और हम जानते हैं, हालेलुया, एंड वी नो, और हम जानते हैं, ये कोई घटना नहीं है कलेशा, ये कोई अनुमान नहीं है, या शायद नहीं है, या असंभव नहीं, मैं बताना चाहती एंड वी नो निश्चित है, हालेलुया, रियल है, जब आप अपने जीवन में से लागू करते हैं, हालेलुया, जब आप ही कहते कि हाँ मैं जानता हूँ यीशु मेरा सब कार्य भलाई में बदलेगा, जब मैं इसे प्रेम करूंगा, जब मैं इसे वचन पढ़ूंगा, जब मैं इसके राह पर चलूंगा, सब कुछ अच्छा होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो आप देखिए कलेशा, हमारे जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना, कैसी भी हालात क्यों ना हो, पर हमें हमेशा ऊंचा उठना है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम नीचा ठहरे बल्कि हमेशा ऊंचा ठहरे, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पूंछ बने बल्कि सर को बने, हालेलुया, हमें उसकी सेवा में हमेशा लगा रहना है, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। ना अंत में एक और कहानी में बताकर इस वचन को समाप्त करूंगी। 1910 में एक सच्ची घटना सिटी ऑफ रीगा में हुआ था, हालेलुया, एक टीम था जो क्रिश्चियन मसीह गीतों को गाता, म्यूजिक को प्ले करता, ना जगह जगह से इन्हें निमंत्रण दिया जाता कि वो आए अपने म्यूजिक, अपने गीतों को पेश करें लोगों के बीच में, हालेलुया। तो ये टीम को
हेलसिंकी फिनलैंड में एक बुलावा बुलाया गया ताकि वो जाकर इस समारोह या कॉन्सर्ट को पेश करे। ना जिस रात्रि को इन्हें जाना था उस कॉन्सर्ट के लिए, तो ऐसा हुआ फिर से मौसम खराब हो गया और ये बैठ कर इंतजार करें कि कब मौसम ठीक होगा तब हम जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के काम करने जा रहे। पर ये आंधी जो थी वो और भी तेजी रफ्तार से बढ़ने लगी। हालेलुया। हवा की झोंके जो और तेज होने लगी, बिजली की तड़कन, बादल की गरजने की आवाज, हालेलुया, और गंभीर बारिश। अब ये जाए तो कैसे जाए? तो इसका कॉन्सर्ट का जो कंडक्टर था, चालक जो था, उन्होंने इस हॉल मैनेजर को कॉल किया, कहा कि हम बिल्कुल भी नहीं आकर इस आइटम को पेश कर पाएंगे वहां पर, क्योंकि मौसम अधिक खराब है और हम कोई भी तरह से इस हॉल में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। नाउ ये मैनेजर जो था, उन्होंने उन्हें उत्साहित किया कि आप कुछ भी करें पर यह आइटम कैंसिल नहीं करें, इसे होना है क्योंकि लोग जरूर आएंगे इस कॉन्सर्ट में। हालेलुया। और फिर उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं आ सकता, हालेलुया, हमारा टीम बिल्कुल भी नहीं आ सकता, हालेलुया। पर मैनेजर के लाभ मनाने पर फिर ये राजी हुए कि अच्छा ठीक है, हम आएंगे, पर अगर एक भी व्यक्ति हॉल में नहीं रहेगा तो हम सब लौटकर वापस अपने घर को चले जाएंगे। हालेलुया। हम ठहरेंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हालेलुया। तो ये मैनेजर राजी हो गया कि अच्छा ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। ऐसा हुआ, ये टीम गया उस रात्रि को उस हॉल में प्रवेश किया, और उस हॉल में जब गया एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं था, सभी सीट खाली था, पर पीछे पे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था बिल्कुल सुरपुट में, हालेलुया। और वो वहां से देखकर इस टीम को मुस्कुरा रहा, हालेलुया। और जब ये टीम ने देखा तो मैनेजर ने इसे उत्साहित किया, इसने अपना रकम चुकाया, हालेलुया, कॉन्सर्ट के लिए। तुझे इस टीम को कहा कि तुम्हें ये कॉन्सर्ट करना है, इस म्यूजिक को प्ले करना है, गीतों को गाना है। तो टीम तैयार हो गया कि एक भी आदमी वहां है, हम जरूर उसके लिए ये गीतों को गाएंगे। ऐसा मालूम तक पड़ता था कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसे म्यूजिक बहुत पसंद था, एक म्यूजिक लवर था, हालेलुया। और वो बतलाता है कि हाँ, हम जरूर म्यूजिक सुनेंगे, आप सिर्फ आइए और पेश करेंगे कॉन्सर्ट को। तो ये कॉन्सर्ट टीम ने अपना सभा शुरू किया, और जैसे सभा समाप्त हुआ तो देखा वो बूढ़ा आदमी अभी भी वहीं पर बैठा है, वो उठा और गया नहीं। तो इस टीम में से एक आदमी गया उसके पास, उसके शोल्डर पर हाथ रख के से हिलाया कि हे भाई उठो, कॉन्सर्ट खलास हो गया, वापस घर जा। पर जैसे उन्होंने से हिलाने की कोशिश की तो देखा वो मरा हुआ था। ना ये टीम ने जब ऐसा कुछ देखा तो चकित रहे कि अभी तक हम जो कॉन्सर्ट यहाँ पर करता रहा ले रहा, वो हम एक मुर्दा के सामने बजा रहे थे, हम लोग बेफिजुल में यहाँ पर गा रहे थे, अरे कोई फायदा नहीं, हम लोग एक मुर्दा के आगे यहाँ पर सब कुछ पेश किया और इतनी अच्छी तरह से, अब क्या होगा? ना परीक्षा यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ, जब उन्होंने ये जाना कि जो नाव से इन्हें वापस घर जाना था उस आंधी में डूबकर सारे पैसेंजर्स, सारे क्रूज लोग मारे गए, तब इनका समझ आया, इनका आंख खुला, तब ये यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि हाँ परमेश्वर, हमसे भी बेहतर तू जानता है क्या हमारे जीवन में होना है क्या नहीं, क्या जरूरत है हमारे जीवन में क्या नहीं। अगर आज हम इस मुर्दा को पहले जान लेते कि ये मरा हुआ है और हमें इस कॉन्सर्ट नहीं पेश करना, तो हम उस नाव में जाते और हमारा भी प्राण जाता, पर तूने इस मुर्दा को इस्तेमाल किया ताकि हम यहाँ पर उस गीत को गाए और तेरे महिमा कर सके। हालेलुया। तो कलीसिया आप देखे, परमेश्वर हमारे बारे में सब कुछ जानता है। जब कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसा गंभीर घटना होता है, कुछ ऐसा हालात आता है, सोचते हे परमेश्वर तूने ऐसा क्यों हुआ, होने दिया, क्यों ऐसा हुआ हमारे साथ में, पर जब हम उसका परिणाम जानते कलीसिया, तो हम अपने आप से पछताव करते कि सच में परमेश्वर तू जानता क्या सही है हमारे लिए, तू जानता है कि किस तरह हमें बचाया जाए। तो कलीसिया आज इस कहानी लोगों से, इस जो टेस्टिमनी से, इस वचन से मैं आप लोगों को यही उत्साहित करती हूँ कि प्रभु कभी कभी हम लोगों के जीवन में ऐसे परिस्थितियों को भेजता है जिससे कि वो हमें तोड़ मरोड़ कर विनम्र बनाए और ऐसा बनाए जैसा कि वो चाहता है हम बने। हम हमेशा प्रार्थना करते कि प्रभु हमें ऐसा बना जैसा तू चाहता है कि मैं बनूं। हालेलुया। मैं अपने जैसा जीवन ना जियो बल्कि तेरे जैसा जीवन जियो। और कलीसिया प्रभु जरूर तुम्हें वैसा बनाएगा जैसा वो चाहता है। हालेलुया। तो अपने जीवन में वो चेंजेस को देखोगे। हालेलुया। कोई तुम्हें कुछ भी बोलेगा, तुम्हारे पर उंगली उठाएगा, तुम्हारे विरुद्ध करेगा, तुम्हें धोखा देगा, कुछ भी करेगा कलीसिया, तुम्हें कोई तरफ से कुछ भी नहीं लगेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु तुम्हारे अंदर में और उन्होंने तुम्हें पूरी रीति से बदल दिया।
ना परिषद जब तक हम इस दुनिया में इस पृथ्वी पर रहेंगे हमारे ऊपर दुख मुसीबत तकलीफ पीड़ा कमजोरी अन्याय सब कुछ पड़ेगा पर हमें स्थिरता से खड़ा रहना पर जैसे कि मैंने कहा रोमर्स 8:28 ही वो वचन है जो हम लोगों को उत्साहित करता है और आश्वासन देता है कि कोई भी कष्ट व्यर्थ नहीं जाता और परमेश्वर जो है हमेशा हमारे भले और उसकी महिमा के लिए ही कार्य को करता है। हमारी नजर में कलेशा हमारे हाथ में हमारे दृष्टि में कुछ भी कंट्रोल नहीं हो सकता है बल्कि सब कुछ उस यहोवा के हाथ में कंट्रोल हो सकता है। एवरीथिंग इज इन गॉड्स कंट्रोल। हालेलुया। जब वो करता है कोई भी नहीं कुछ हमारा बिगाड़ सकता। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ में है युगानुयुग तक। वो ना कभी हमें छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा उसका ये वादा है। हालेलुया। तो एक बार फिर कलेशा रोमन्स 8:28 हमेशा अध्ययन करें ताकि आप उसी वचन के राह पर हमेशा चलते तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ अच्छा होगा भलाई में बदलोगे जब आप परमेश्वर के राह पर चलोगे उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाओगे और उससे प्रेम के रिश्ता में जुड़े रहोगे। तो यही था आज का मेरा वचन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। क्यों ना हमें जोरदार अपने परमेश्वर के लिए कलिशय समय हम सब आगमन करेंगे और उस वचन के लिए प्रार्थना करें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हमारे परमेश्वर, धन्यवाद देते स्वर्ग पिता में बार फिर से पवित्र सिंहासन के पास आते यीशु के नाम से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते आपके सुंदर से जीवित वचन के लिए प्रभु जो आपने प्रभु इस वचन को बांटा। विश्वास करके प्रभु जी आज लोगों ने अपने जीवन में प्रभु से खारी दिया। रोमन्स 8:28 को इन्होंने अध्ययन किया प्रभु और जरूर इसे अपने जीवन में इस्तेमाल करेगा प्रभु। चाहे इनके ऊपर कोई भी दुख मुसीबत तकलीफ क्यों ना आए प्रभु बल्कि सर्वदा उनके साथ में होना प्रभु। मांग करती यीशु मसीह हर एक उन लोगों के जीवन को तू झांच के देख ले प्रभु। उन्हें काट छाट और स्वतंत्र बना प्रभु जी। इस वचन के जरिए उन्हें तोड़ मड़ोड़ कर प्रभु सही बना और ऐसा बना यीशु ऐसा बना जैसा कि तू चाहता है वो बने प्रभु ताकि वो तेरे सच्चा नमूना और गवाह को बने प्रभु। और जिस दिन तू आए यीशु एक भी प्राण खोए नहीं एक भी प्राण भर के नहीं प्रभु बल्कि सब के सब तेरे राज में प्रवेश करे प्रभु। आचार्य के हृदय को तू तैयार करना यीशु ताकि जैसे भोज में विभाग ले यीशु मसीह अपने जीवन को झाड़ के देंगे प्रभु। और तैयार है यीशु मसीह ताकि प्रभु जी खेल और खिलवाड़ में इस भोज को ना ले यीशु मसीह बल्कि तेरी आत्मा में होकर इस भोज को ले प्रभु इस वचन को लेकर रहे प्रभु जी हर एक के जीवन को तो तैयार कर यीशु। हम धन्यवाद देते यीशु आज पूरे कलीसिया के जीवन को आगे की सभा सब कुछ सारी प्रशंसा महिमा बढ़ाई धन्यवाद सब कुछ लगा कर तेरे महान पवित्र सुंदर हाथ में अर्पण करती हूँ यीशु के नाम से दुआ को तुझसे चाहती हूँ। आमीन।